तो फ्रेंड्स लावा का ये टैबलेट सभी छात्राओं को तो ज़रूर मिला होगा और इसी टैबलेट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं। मेरा टैबलेट जो है रिबूट नहीं हो रहा है, रीसेट नहीं हो रहा है और ऑन भी नहीं हो रहा है। हर 20 सेकंड या 10 सेकंड पे एक एक नोटिफिकेशन आ जा रहा है। इस टैबलेट में कौन सी वो प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं आप सभी के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियोस में। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीरज, चैनल का होस्ट और आपका दोस्त टेक्निकल नीरज ATC। तो आइए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये टैबलेट जो है सभी छात्राओं को तो ज़रूर ही मिला होगा और किसी किसी टैबलेट्स में जो है ये प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ रही है। किसी का जो है टैबलेट्स में कोई 20 सेकंड पे नोटिफिकेशन आ रहा है या एक स्क्रीन पे पॉपअप आ जा रहा है या किसी का टैबलेट जो है ये रीसेट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें वो प्रॉब्लम्स क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है ये देखते हैं। जैसे कि आप कुछ ना कुछ यूज करते रहते हैं अपने टैब में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेंडिंग एक्शन के नाम से पॉपअप आ जाता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर लिखा हुआ है ग्रांट परमिशन मूवी कंट्रोल्स, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इसमें जो ये है ग्रांट परमिशन टू मूवी कंट्रोल्स, गूगल प्ले स्टोर पे जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे आपको अपना एक प्रोफाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा, जहाँ पे इस टैबलेट को स्टार्टिंग में इनरोलमेंट नंबर मांगा जाता है। अगर आप इसे हार्ड रीसेट करके या फैक्ट्री रीसेट करके इसको इसी टैबलेट को आप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से भी ये हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक रिक्स जरूर ये रहता है, टैबलेट आपका ऑन भी नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स ये भी हो सकती है। IT एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी जो रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे जो है एक्सेप्ट करते हैं, परमिशन देते हैं, एक अपनी कंप्लीट प्रोफाइल लगाते हैं, तो यहाँ पे जो ये पेंडिंग वाला एक्शन जो पॉपअप आता है स्क्रीन पे ये आना बंद हो जाएगा। तो इसका यही एक प्रॉब्लम्स है जो आप इसे सही कर सकते हैं। अगर तभी भी नहीं सही हो पा रहा है तो आप जो है अपने कॉलेज से बात करिए, जहाँ से आपको इस टैबलेट को मिला हुआ है आप जाके वहाँ के प्रोफेसर से किसी न किसी से आप बात कीजिए, तब जाके वो आपको कुछ ना कुछ हल बताएंगे। तो मुझे ये टैबलेट मैं पिछले एक दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ कंटिन्यूस, तो इसमें बस मुझे यही एक ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो है इस टैबलेट का पेंडिंग एक्शंस। जिनका पेंडिंग एक्शंस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं फिर से आ गया, ये तुरंत हट जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हट भी सकता है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और भी कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई, बस अब रैम कम होने के हिसाब से तो ये लैग करेगा ही, लेकिन आप अगर ये नॉर्मल यूजेस के लिए यूज करते हैं तो ये टैबलेट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इस टैबलेट के रीसेट वाले ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो बैकअप ऑन और एडवांस पे यहाँ पे आपको रीसेट ऑप्शन मिलता है, जो इरेज और डाटा फैक्ट्री रीसेट है तो ये हाइड है और बाकी सब जो है हाइड नहीं है, तो यहाँ पे आप इसे नहीं कर सकते। इस पर क्लिक करने के लिए क्या लिखता है, एक्शन नॉट अलाउड, दिस एक्शन इज डिसेबल बाई UPDESCO.contact to your university school administrator to learn more। तो यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करने के लिए बोल रहा है, आप अगर अपने यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इसके बारे में उपाय बताया जाएगा, आप वहाँ से इसे जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक बार जरूर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज़रूर जाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आपको एक ऐसा ही पॉपअप जो है शो करता ही रहेगा, तो ऐसे जो है ये आप परेशान रहेंगे इस स्टेप को लेकर। तो बस आप अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए और वो आपको इसके प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ हल बताएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। और भी एक तरीका है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन वो लीगल है या इनलीगल ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बट वहाँ से रिस्क है अगर आप ऐसे करते हैं। अगर आप अपने टैबलेट को जो है फैक्ट्री रीसेट करके वहाँ से ऑल डाटा इरेज करके इसे ऑन करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के लॉगिन, जो इस टैबलेट के साथ जिनको मिलता है उनका एनरोलमेंट नंबर होता है, डाल के लॉगिन करके कंप्लीट प्रोफाइल को क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये जो है पेंडिंग वाला एक्शन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप एक वहाँ पे सीधा आप अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आप सभी को होने वाली नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या आपके भी टैबलेट्स में कुछ ऐसे पॉपअप आते हैं जो पेंडिंग एक्शंस वाले हैं? अगर आते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं हमको। और आई होप वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल लगी है, तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ऐसे आप सभी के लिए मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तब तक के लिए जो है महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।